नाम सीपी शर्मा है और बेसिकली अलवर से बिलोंग करता हूँ। भाई प्रोफेशन मैंने बता दिया है आपको, रिपीट करने की कोई बात नहीं है। सीधा आते हैं, प्रदीप जी कह रहे थे ना सीधी बात नो बकवास, और समझ में भी नहीं आती अपन को बकवास, क्योंकि नपतुला बोलते हैं लेकिन बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। अभी मैंने मेरी जूम जो आईडी बना रखी है उस पर एक चीज लिख रखी है, मिशन नंबर वन। और ये पिछला जब फंक्शन सर ने करवाया था उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मिशन नंबर वन पे काम करना है। तैयार है? यस। और उसी दिन से मैंने सर से कमिटमेंट किया था, अभी भी मैं जबलपुर से आया हूँ और कल अपनी फिर वापस पैकिंग है। आज नाइट नाइट घर रुकना है कल से फिर, क्योंकि मिशन नंबर वन जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, इस मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं ना परिणाम को चिल्लाने से नहीं बताना चाहिए, यस या नो? अभी स्टेज घवा था, साक्षी है स्टेज के, उसी दिन कहा था गुरु जी मेरे लेवल पर तो 5 लेवल पर सबसे बेस्ट होगा, तो ये टाइगर होगा जिसमें दम हो वो हाथ मिला ले। और गुरु जी आज फिर से चैलेंज है, अभी एमरल्ड बन गया हूं लेकिन टारगेट टोपाज का आया है। गुरु जी आपके नेटवर्क में अभी एक मीटिंग हो रही थी, गुरु जी कह रहे थे कि कुएं में तो कोई भी मेंढक टर कर लेता है, यस या नो? यस या नो? लेकिन गुरु जी एक चीज छोटी सी बात है कि बड़े महल को जीतने के लिए पहले छोटी छोटी चौकियां जीतनी पड़ती है। अरे राजा ने जिसने राज किया है उसने एक काम किया है, सबसे पहले छोटे छोटे राज्यों को हटाया है, और जिसने छोटे छोटे राज्यों को हटा लिया ना वो एक दिन साम्राज्य पर उसने अधिकार किया है, यस या नो? और गुरु जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि टाइगर ने जन्म लिया है ना वो जीत के जन लिए जन्म लिया, और सफलता के 3 सूत्र सुनेलाल जी बताते हैं कि पहला आदमी में जीत, दूसरा उसको करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, और तीसरा उसकी मेहनत होनी चाहिए। गुरु जी तीनों में कोई कसर नहीं है, और भगवान ने उसका रिजल्ट भी दिया है कि आज मेरे सहित 5 टारगेट यहां समर्पित आपके चरणों में किए, यस या नो? और गुरु जी से मेरे ग्रेट गुरु जी से मैंने वादा किया था, गुरु जी पंकज सर ने 4 तारीख का फंक्शन किया है, आपके शिक्षणों में आप हमेशा अपन रहेंगे, ये इस टाइगर का कमिटमेंट है, टाइगर का। और गुरु जी विश्वास दिलाता हूं जिसमें हो दम वो दम लगा लेना। टोपाज लेवल पर, अरे टोपाज लेवल की बात करो मैं तो बन ही जाऊंगा, लेकिन मैं उन सभी लीडरों को चैलेंज करता हूं, फ्रेशर सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड पर कोरल टोपाज मेरे लेवल तक जितनी भी ट्रॉफियां होंगी गुरु जी बेस्ट परफॉर्मर की इस टाइगर की टीम में होंगी, टाइगर की टीम में होंगी। और वही बात गुरु जी अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी दिनेश जी कह रहे थे, दिनेश जी ने क्या है खुद का टारगेट नहीं किया, किसका टारगेट करवाया? मैडम का। अब भाई बहन में ये गुत्थम पैंडी करवा रहे हैं, बताओ ये कोई बाजी में क्या? अरे दिनेश सर आपको चैलेंज है, आपको टक्कर लेनी है, मैं भी तो पांच, आप भी तो पांच, और आप मैदान में फिर देखते हैं किसमें कितना है दम, कब देखते हैं और खुला चलेंगे, खुला चलेंगे दिनेश सर। थैंक यू। अरे भाई रुक ले यार, अभी तो भट्टी गर्म हो रही है, कहां टेंशन ले रहा है, खोपत है ना, अभी तो मामला सेट हो रहा है, रुक जा। दिनेश सर तो अभी वैसे गए है ना, ये तो प्लेइंग 11 में भी नहीं है हमारी में कि जिनसे हम टारगेट करें। विश्वास दिलाता हूं गुरु जी आपके 1,00,000 नेटवर्क में अगर बेस्ट टू 5 होगा तो सीपी शर्मा होगा, सीपी शर्मा। और ये बात ऐसा नहीं है कि घर जाकर रजाई में बैठूंगा, अभी मामला 5 तारीख तक सेट है, क्योंकि एक अशोक राजपाल जी का वीडियो चल रहा था ना अभी कि मैं मेरे बच्चों को ऐसी जिंदगी दूंगा कि वो ये कहे
जिस व्यक्ति के घर में हमने जन्म लिया था मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास दिलाता हूँ अभी ऐसा काम होने वाला है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये घमंड नहीं है, मेरा खुला चैलेंज है। लोग कहेंगे कि यार अगर इस व्यक्ति के नेतृत्व में होते तो हमारी डायमंडशिप 100% कंप्लीट होती है आपको। और अभी तो बड़े बड़े किलो को ढहलाना है। गुरुजी जिस डायमंड ने बोला था ना कि ये तो पांडी कोई तो गया, गुरुजी जाने के बाद ही व्यक्ति आता है। यस या नो? मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन गुरुजी ये वीडियो भेज देना उस डायमंड को जिसने ये बोला था। अब आए असली बब्बर शेर, और अब आपका आगा और हमारा पीछा है, देखना है किसका शिकार होता है। और गुरुजी विश्वास दिलाता हूं चाहे वो डायमंड है ना तो एमराल्ड बनाऊ, लेकिन अब उनका ही मामला सुलटा करना है मुझे। ये मैंने जिद कर ली है और आपसे कभी नहीं आता गुरु जी। अरे पांडी कोई नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है गुरु जी, अब छत्तों की चमड़ी जोड़ लेता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ वो व्यक्ति बोलेगा मैंने गलत बोला है और गलत को साबित करके दिखाऊंगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है आज से गुरु जी, दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन इस पांडी कोई नेटवर्क में होगा तो इन सभी डायमंड लीडरों का नाम होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। रियलिटी है हम जाते हैं घर और जब मैडम देखती है यहाँ तो कहती है ये क्या हुआ, तो हम कहते हैं आज मिट्टी में जांग भी वो फटकारता है जिसकी जांग में दम होता है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी के साथ मैं तैयार हूँ और खुले में खेलो। यहाँ तो राम का घोड़ा है, पकड़ेगा भी लवकुश, मेरी गारंटी है लवकुश ही आएगा, अपनी टीम में से ही पैदा होगा। इसके अलावा कोई अपने घोड़े को हाथ नहीं लगा सकता, हिम्मत है तो लगा के दिखा देना। इसी शुभकामना के साथ विश्व अगर छो।